Hello everyone, my name is Rabia. In today's video, I'm going to share with you what is the significance of Guru Purnima and who is Guru. Pure saal mein 12 Purnimas hoti hain aur unme se ek Purnima hai Guru Purnima. Guru Purnima wali raat ko jo full moon hai wo sabse zyada bright hota hai aur is din jo planetary motions hain wo is tarah ke hote hain कि ये हमारी लाइफ के अंदर एक गाइडिंग फोर्स को लेकर आते हैं. इस दिन हम जो कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आता है, एनहांस होकर आता है. तो इसका मतलब अगर हम गुरु पूर्णिमा वाले दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं हेट्रेड को, जेलसी को, सैडनेस को, तो हमें लगेगा कि वो कुछ ज़्यादा बढ़ रही है, वो हमारी लाइफ में ज़्यादा बढ़ कर आएगी. और इंस्टेड उस दिन अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिटेशन, वी आर कीपिंग ourselves जॉयफुल, हैप्पी, तो ये चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आएंगी. सो दैट्स वाई गुरु पूर्णिमा को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. एंड इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट डे फॉर ऑल द डिसाइपल्स. दिस इज़ द डे दैट वी सेलिब्रेट टू रिमेंबर ऑल द एनलाइटेंड मास्टर्स हु हैज कम ऑन दिस अर्थ टू गाइड अस. To all those enlightened masters who are here at this present time, and to all enlightened masters who will come in future to guide humanity, to connect to the Supreme, to the Self. तो उन सभी enlightened masters को याद करते हुए, उन सभी के प्रति एक gratitude और एक reverence की भावना को रखते हुए इस दिन को celebrate किया जाता है. कहते हैं कि जब डिसाइपल रेडी है उस समय गुरु अपने आप अपीयर हो जाते हैं, या फिर जब इग्नोरेंस हमें इतना ज़्यादा दर्द देना शुरू कर देती है दैट वी ईगरली वेट फॉर दैट गाइडेंस हु कैन टेक अस आउट ऑफ दैट, दैट्स द टाइम व्हेन गुरु अपीयर. गुरु इज नॉट अ टीचर, गुरु इज नॉट जस्ट अ बॉडी, गुरु इज बियॉन्ड दैट. यू माइट हैव हर्ड दिस वर्सेस, आप मुकत मुहे तारे. गुरु इज फ्री फ्रॉम ऑल दीज कर्मास एंड एवरीथिंग दैट वी आर बाउंड इन. गुरु इस धरती पे आते हैं, द एनलाइटेंड मास्टर्स, वो आते हैं ताकि हमें भी वो एक एनलाइटनमेंट के रास्ते पर लेकर जा सके. आई वॉन्ट टू शेयर स्मॉल नॉलेज विद यू. आई हर्ड इट समवेयर कि लाइफ में तीन चीज़ें मिलनी बहुत मुश्किल हैं. सबसे पहले है एक ह्यूमन लाइफ मिलना, उसके बाद है एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपका इंटरेस्ट होना, और तीसरा है आपको एक सदगुरु का मिलना. सो दीज थ्री थिंग्स आर हार्ड टू फाइंड एंड हार्डेस्ट इज टू फाइंड द सदगुरु. द वर्ड गुरु इज मेड अप ऑफ गू एंड रू. गू मीन्स डार्कनेस एंड रू मीन्स डिस्पेलर. सो गुरु इज द वन हु इज द डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, जो डार्कनेस को ख़त्म करता है उसको हम गुरु कहते हैं. डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस विच इज़ नॉट लेटिंग अस टू गेट कनेक्टेड टू आवर सेल्फ द सुप्रीम. सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा. आई हैव शेयर्ड अ स्मॉल भजन एंड अ शब्द इन वन ऑफ माई वीडियोज. आई हैव शेयर्ड इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ यू वॉन्ट टू लिसन टू दैट यू कैन गो देयर. Wish you happy Guru Purnima.